हेलो फ्रेंड्स, अगर पसंद है आपका स्टाइलिश टिप्स एंड ट्रिक्स तो टेस्टी रेसिपी तो बने रहें हमारे चैनल फैशन स्टाइलिश जोन में। मिलेगी आपको यूनिक स्टाइलिश टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बेहतरीन टेस्टी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम घर में बनाएंगे आलू ब्रेड का हेल्दी स्पाइसी तवा सैंडविच। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ब्रेड ले लिया है, ये धनिया हमने बारीक काट लिया है, ये हमने एक प्याज बारीक काट लिया है, ये एक शिमला मिर्च हमने बारीक काट लिया है, आइए लहसुन चार कली, मिर्च अदरक का टुकड़ा हमने कद्दूकस कर लिया है, ये एक टमाटर इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, ये हमने पांच आलू ले लिया है, आइए हमने एक चम्मच मसाला ले लिया है। आइए फ्रेंड्स, इसे हम चल के तेल में भूजें। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल के भूनेंगे। तो फिर मैंने प्याज को डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये प्याज ब्राउन हो चुका है, इसे इस तरह हम चला देंगे। इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको भी हम सिर्फ दो मिनट तक भूनेंगे। कलौजी बन के बिल्कुल तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड्स, मेरा शिमला मिर्च भून गया है अच्छे से। दो मिनट तक हमने इसे भून लिया। अब इसमें हम कटरा हुआ टमाटर डालेंगे, जो गरम मसाला है वो डालेंगे एक चम्मच। अब इसमें हम नमक डालेंगे आधा चम्मच। ये हम आम का खटाई डालेंगे आधा चम्मच। अब इसे हम भूनेंगे दो मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा कलौजी हो गया। अब इसमें हम आलू डाल के भून देंगे अच्छे से। हम पलटे से इस तरह इसको दबा दबा के, इस तरह से सारे आलू दबा दबा के मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे इस आलू को। हम पेस्ट की तरह बना लेंगे आलू को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सैंडविच का चटपटा कलौजी बन के तैयार हो गया है हमने धनिया का। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सैंडविच का चटपटा कलौजी बनके तैयार है। आइए अब हम ब्रेड का तैयारी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कलौजी ठंडा हो चुका है, अब हम सैंडविच में इसको लगाएंगे ब्रेड पर। इस तरह करके हम धीरे धीरे इसको फैला लेंगे चम्मच से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फैल चुका है अच्छे से। अब हम इस पर ब्रेड डालेंगे, इस तरह से हम इसको रख देंगे। इस तरह से हम सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कलौजी बन के ब्रेड में लग के तैयार हो गया है सैंडविच में। अब इसे हम तवा पे सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस सारे सैंडविच में हमने इस तरह से लगा लिया है, मेरा ब्रेड बनके तैयार है।
अब चलिए फ्रेंड्स इसे हम तवा में सेक लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा ये तवा नाश्ते का गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। इस तरह से हम इसको फैला लेंगे और इसके हम सैंडविच रखेंगे। इसके ऊपर से हम तेल लगा देंगे और इस तरह से फैला देंगे। हम इसको हल्का ब्राउन होने तक हम इसको इस तरह से सेकेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा ये ब्रेड, अब इधर से हम इसको पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ब्राउन हो चुका है हल्का। इस तरह से हम सारा सैंडविच को सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये अच्छे से सैंडविच सेक चुका है। इसी तरह से हम सारे सैंडविच को सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये सैंडविच बनके तैयार है। बिल्कुल ये मेरा क्रिस्पी है, हेल्दी है और चटपटा है। खाइए और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी टेस्टी रेसिपी देखनी है तो बेल आइकन पे क्लिक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।